हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन्वेंटरी पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने हेडिंग में एक लाइन शो होता है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अपडेट डिटेल। तो मुझे डिटेल को अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा डिटेल मुझे अपडेट करना होगा और कब करना होगा, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पे बताया गया है कि कैटलॉग का डिटेल जो है अपडेट करने के लिए बोला है, एंड कैटलॉग का डिटेल मैं अपडेट नहीं करता हूँ 15 जुलाई से पहले तो मेरा कैटलॉग जो है डीएक्टिवेशन हो जाएगा। प्लीज़ अपडेट डिटेल लाइक कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी मुझे मूल देश का नाम यहाँ पे जो है सही तरीके से देना होगा, एंड मैंने गलत डाल दिया हो तो अभी मुझे ये सही करना होगा। कब कब सही करना होगा? 15 जुलाई से पहले मुझे इसको सही करना होगा, और आप सही नहीं करते हो तो आपका कैटलॉग जो है वो डीएक्टिवेशन हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको करना होगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखिए अपडेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो स्टेप जो है यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एक बार मैंने कर लिया, और उसके बाद जो यहाँ पे डाउनलोड फाइल करने के लिए बोल रहा है, फिर से मुझे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 76 जो है इरोर है और बाकी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए बाकी जो 76 जो यहाँ पे गलती है वो गलती को मुझे सुधारना है, और उसके बाद जो है मुझे फिर से यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपके केस में क्या होगा, सबसे पहले आप फाइल को यहाँ पे अपलोड इस तरह से कर लेंगे, और इस तरह से करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओके, यहाँ पे ओपन करना है और फाइल जो है अभी ओपन हो रहा है, ओपन इनेबल करना है एडिटिंग, और उसके बाद ये हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, कैटलॉग आईडी एंड स्टाइल आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड मैन्युफैक्चर डिटेल, एंड यहाँ पे देखिए इंपोर्टेड डिटेल्स हो गए एंड पैकेज डिटेल हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, और मैं ऑलरेडी एक बार यहाँ पे अपलोड करके देख लिया है, ठीक है। और जो मेरा नाम यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिटेल जो है यहाँ पे नहीं आया अभी तक, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं है। इस कैटलॉग के ऊपर मेरा पैकर डिटेल है, मैन्युफैक्चर डिटेल जो है मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, एंड यहाँ पे देखिए कुछ चाइना है और कुछ इंडिया है। और जो मैंने अपलोड किया था उस फाइल को मैंने दोबारा एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड फाइल जो इरर आया है, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी इनेबल करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइड में देखते हैं। और साइड में आने के बाद यहाँ पे देखिए जो जो सही है उनका जो बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है, और जो फिल्वर है यहाँ पे फिल्वर दिखाएगा, एंड मिसिंग डेटा इम्पोर्टेड डिटेल्स। यहाँ पे हम आते हैं इस लाइन पे, तो इस लाइन को मैं आता देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए चाइना लिखा है, और जो चाइना लिखा है उसका मिसिंग डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेड डिटेल जो है मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडिया सिलेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये सक्सेसफुल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अभी क्या करना है, इस चाइना वाला जो चाइना जो नाम है इस नाम को मुझे चेंज करना है, ठीक है, चेंज करके इंडिया करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं एक साथ होता है या नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए देखिए हो गया, ठीक है। ऑलरेडी जो चाइना था ना उसको मैंने यहाँ पे सही कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स जो चेंज है यहाँ पे मुझे इसको भी चेंज करना है। चलिए हम सब किस्मत बदल कर देते हैं, सभी के सभी जहाँ पे गलती होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी सही कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से इसको भी कर देते हैं, ये भी सही हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सक्सेसफुल एंड फिल्वर दिखा रहा था इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यही पर इस तरह से रहेंगे, सेव कर लिया। उसके बाद ये हम फिर से फाइल को यहाँ से काट देते हैं, एंड यहाँ से काट देते हैं, और उसके बाद जो है मुझे इस फाइल के अंदर जो है अपलोड करना है, अपलोड, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे
और इसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोडिंग जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे देखिए चेंज जो है हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक भी इरर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 349 जो यहाँ पे दिया था एक्सेल फाइल में वो 349 जो है बिल्कुल सही है, और यहाँ पर एक भी गलती नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर जीरो इरर जो है जीरो दिखा रहा है। चलिए फिर से हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो सही था वो सही हो गया, और सही नहीं होता तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इरर दिखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी के सभी यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आप सभी को दिखाया कि यहाँ पे मिसिंग डाटा जो दिखा रहा था उसको मैं डिलीट नहीं किया था, बिल्कुल वहाँ से इस तरह से फाइल को अपलोड कर दिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे सही तरीके से बिल्कुल सभी के सभी जो है सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी आपको इसी तरह से करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आप सबको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो हमारे चैनल पर, आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।